नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। बागबेड़ा क्षेत्र के निचले इलाकों के घरों में नाले का पानी घुसने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। सुलिस गेट के जाम होने से जल जमान की स्थिति हुई उत्पन्न। 24 घंटे में जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से नाले का पानी नदी में जाने के बजाय जुगसलाई शिव घाट के पास सुलिस गेट जाम होने की वजह से बागबेड़ा के निचले इलाकों के घरों में घुस गया। लगभग 200 घरों में नाले का पानी प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। स्थानीय रजित कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर से ही नाले का पानी घरों में घुस गया है। लगभग 200 से 250 घरों में नाले का पानी घुस चुका है। उन्होंने बताया कि सुलिस गेट के फाटक जाम होने की सूचना मिल रही है। बारिश होने से पहले जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। बागबेड़ा में पीने का पानी नहीं है, लेकिन नाले का पानी घर में घुस रहा है, क्या कहेंगे इसमें आप? ये बागबेड़ा में जो हम लोगों का नाला जो है, वो चारों तरफ का नाला का पानी एक जगह से निकल करके नया बस्ती से होकर के जाता है, और वहाँ पर एक स्लुइस गेट का निर्माण एक साल पहले किया गया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसकी जानकारी ऑलरेडी प्रशासन को दी गई है और उस विभाग के द्वारा भी स्लुइस गेट को कंडम घोषित कर दिया गया है। लेकिन विडम्बना यह है कि बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी आज स्थिति में हम लोग ऐसे पहुंच गए हैं। आज सैकड़ों लोगों के घर में भी पानी घुसा हुआ है, जुगसलाई का भी रास्ता क्लोज हुआ है। आप यहां देख सकते हैं कि जुगसलाई नगर पालिका का यहां पर डंपिंग यार्ड बना हुआ है, कचरा डंपिंग यार्ड, और जिससे पूरा कचरा जो है वो गिर करके आके और उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। उसके कारण हमारा स्लुइस गेट का एक फाटक तो खुला है, बाकी फाटक टूट करके गिर गया है। तो पानी जितना बहना चाहिए वो नहीं बह रहा है और कचरे के कारण भी पानी का रुकाव हो रहा है, इसलिए जल जमाव की स्थिति है। ये बाढ़ की स्थिति नहीं है, ये हम लोगों का तंत्र का फेल्योर है, जिसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आर्टिफिशियल फ्लड नदी में पानी नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोगों के घर में बाढ़ घुसा हुआ है। वो भी नाले का पानी, वो दोहरा मार है, एक तो पानी घुसा है और उस पर से गंदा पानी घुसा है। आप स्थिति समझ सकते हैं, हम लोग अंदर से खुद इस मामले से बहुत दुखी हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन को इसकी जानकारी हमने दिया है, लगातार प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिस स्थिति का हमको डर था। और इस स्थिति से हमने प्रशासन को ऑलरेडी अवगत कराया था कि ये ऐसा समस्या आ सकता है, और आज बारिश चूंकि लेट है इस कारण से आज हम लोग इस स्थिति में है। बारिश जब भी हुआ रहता है उस समय से ही हम लोग इस स्थिति में रहते हैं। तो आज गनीमत है कि आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस फाटक को पूरी तरह से खुलवा दें और उसके बाद इसका मेंटेनेंस की जो व्यवस्था की आई है उससे हम लोग मेंटेनेंस करा रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? नाम हुआ मेरे प्रभाकर। यहाँ दिखा जा रहा है कि पूरा पानी से घर डूबा हुआ है, क्या मामला, क्या सर? मामला है सर, यहाँ पे जो है नल्ला में जो बनाए हुए है और ये सब नल्ला का पानी सब है, बाढ़ जो है बाढ़ का पानी नहीं है सर, नल्ला का पानी है, उसी चलते सर ये सब। कितने घर प्रभावित हुए हैं? करीब 200 घर आसपास हुए हैं सर, 200-300 घर आसपास में प्रभावित हो गए हैं, परेशानी हुई है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।